दोस्तों संभल में बड़ा हादसा, कोल्ड स्टोर की छत ढही, 20 से 25 लोगों के दबी होने की आशंका। संभल के चंदौसी स्थित इस्लाम नगर रोड पर आलू से भरे आर कोल्ड स्टोर की छत अचानक गिर पड़ी। वहां काम कर रहे 20 से 25 मजदूरों की दबने की आशंका है। मौके पर करीब 8 जेसीबी मलबा हटाने में लगी हैं। आसपास लोगों की भारी भीड़ लगी है। डीएम एसपी मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य कराने में लगे हैं। चंदौसी में इस्लाम नगर रोड पर आर कोल्ड स्टोर में रैंक बनाकर आलू भराया रहा था। रैंक ओवरलोड होने के कारण गिर पड़ी, उसके साथ ही कोल्ड स्टोर की छत भी नीचे आ गिरी। आलू व छत के मलबे में करीब 20 से 25 मजदूरों की दबने की आशंका है। घटना से आक्रोशित लोगों ने कोल्ड स्टोर के केबिन में तोड़फोड़ की। सूचना पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। करीब 8 जेसीबी को मलबा हटाने के लिए लगाया गया है और इस दौरान लोगों की पुलिस प्रशासन से भी नोकझोंक हुई। स्थानीय लोग भी मलबा हटाने में लगे हुए हैं। बचाव कार्य के लिए फायर कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस व अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कोल्ड स्टोर में हादसे के बाद अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा था। मौके पर पहुंचे अग्निशमन अधिकारी व कर्मचारी मास्क पहनकर अंदर घुस गए और रिसाव हो रही अमोनिया गैस को बंद किया। जेसीबी द्वारा मलबा धीमी गति से हटाए जाने को लेकर ग्रामीणों व मजदूरों के परिजन आक्रोशित हो उठे। इस दौरान वो खुद ही मलबे के ऊपर चढ़ गए और वहां से बोरियां हटानी शुरू कर दी। इसके बाद किनारे पर दबे एक मजदूर को उन्होंने सकुशल निकाल लिया, वहां से उसे सीएससी के लिए भेज दिया।